अब आप जानते ही हैं कि पूरा हमारा जो शरीर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि चेतना क्या है, भगवान क्या है, कृष्ण क्या है। देखिए, इंसानों में ही संभावना होता है कि कृष्ण जैसा बनने का, शुद्ध चेतना का, उस शुद्ध चेतना का आनंद को अनुभव करने का, वो तो एकमात्र इंसान ही कर पाएंगे। इंसानों में बुद्धि तो ज़्यादा होता ही है, इसमें कोई वो नहीं है। तो प्राणियों में उतना बुद्धि नहीं है, वो प्रकृति के नियम अनुसार चलते हैं। पर इंसानों में क्या होता है कि वो प्रकृति को समझ पाते हैं, इतना तो उनको समझ में आ जाता है कि चेतना क्या है। ये जो भी बातें हम बोल रहे हैं, इतना तो इंसान को समझ में आ जाता है। तो और देखिए, आपके इंसान इतना चेतना के बारे में उतना ज्ञान जानने को, चेतना के बारे में जानने को, जानने का इच्छा उनमें नहीं होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि अब इंसान इतने सारे चीज़ों से बटे हुए हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे वो अपने ही जाल बना के तैयार किए हैं कि उसी में फंसे हुए हैं। उनको समय ही नहीं मिलता कि थोड़ा चेतना का आनंद लिया जाए, उनका इसका समय ही उनको नहीं मिलता। इस तरीके से सारे चीज़ें रखा गया है। कोई आदमी कैसे आज के डेट पे चेतना को समझने का प्रयास करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें शास्त्र की ओर जाना चाहिए। शास्त्र में पहले के लोग जो इतने सारे काम काज ये सब नहीं था, काम काज तो करते थे लेकिन बेकार काम काज नहीं करते थे, बेकार में दिमाग में बोझ नहीं डालते थे। वो अपने आप को जानने का हरदम प्रयास किए, चेतना को एक शुद्ध रूप देने का कार्य उन्होंने किए। इंसान होने का मतलब समझाएं हम लोगों को। तो आज के डेट पे ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कुछ पाने के लिए। कोई भी अगर तो आज के डेट पर ये सब तो नहीं हो पाता। हम दिमाग के इस्तेमाल और ज्ञानों का इस्तेमाल हम अपने लिए, अपने शरीर को और रस देने के लिए करते हैं। शरीर को जितने ज़्यादा आप रस दीजिएगा, क्या वो शरीर क्या चेतने के बारे में याद, चेतना को याद दिलाएगा? क्या चेतना को अच्छे से जानने में वो सहायता कर पाएगा? वो जो शरीर है उसमें एक एक कोश में उसमें रस उत्पन्न हो रहा है और उसका कनेक्शन एक दूसरे से इस तरीके से बैठेगा कि आपको शरीर में जो भी प्रतिक्रियाएं होंगे, जैसे हार्मोनल जो भी उत्तेजनाएं, जो भी केमिकल, जो भी रिएक्शन उनमें होंगे, तो वो सब तो फिर आपको कहीं आपको उत्तेजित करेंगे, आपको और भी ज़्यादा शरीर के मतलब शरीर के बारे में और ज़्यादा ख्याल आपके दिमाग में बैठाएगा। तो क्या चेतना के बारे में आप कभी भी जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे।
सीधा सीधा मतलब उत्तर है, नहीं जान पाएंगे। प्राणियों के पास दिमाग तो होता है, उनमें भी चेतना होता है, लेकिन निम्न स्तरीय प्राणी मतलब चेतना होता है उनमें, उनमें इतना होता है जो शरीर में एक एक कोश में चेतना रहता है, एक एक कोश में रहता है, वो भगवान की देन है। वो अपना शरीर को ही रुष्ट पुष्ट करने में व्यस्त रहता है, प्रकृति के नियम अनुसार वो चलता है। प्रकृति के नियम अनुसार कैसे, क्योंकि उनमें चेतना है, तो प्रकृति का नियम अनुसार कैसे? आप कहेंगे कि जो भी पत्थर हैं वो सब ठीक है, वो सब प्रकृति के नियम अनुसार हो सकता है, लेकिन ये कैसे प्रकृति का नियम अनुसार? देखिए, ये जो कोश है ना, इनमें चेतना तो होता है क्योंकि इसमें प्राणों का संचार हुआ है, ये बोल पाता है, कुछ कुछ क्रिया कर पाता है, लेकिन चेतना थोड़ा निम्न स्तरीय है। और प्रकृति के नियम अनुसार कैसे? क्योंकि ये जो है वो अपना शरीर के ही ख्याल करते हैं, उनमें बोध जो है वो बहुत कम है, जानने का चेष्टा बहुत कम है, सत्य के बारे में, चेतना के बारे में, ये धरती हम कैसे आए हैं, सब की खोज वो नहीं करना चाहते हैं। वो जैसे आए हैं वैसे वो उसी में खो जाते हैं, मतलब जिस जैसे वो आए हैं, जिस शरीर में वो आए हैं उस शरीर में ही वो खो जाते हैं, और शरीर से ही वो विदा भी ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं क्योंकि ये जो पूरा प्रक्रिया है, ये पहले जन्म लेते हैं, फिर उसमें प्राणों का संचार होता है, संचार तो प्राणों में बीज में रहता है, और बीजों में प्राणों का संभावना है, तो बीज बाद में जाके अनुकूल परिवेश मिलता है, फिर बीज जो है क्या है, बीज भी तो वही है ना, सब मतलब पीरियोडिक टेबल का जो भी कुछ कुछ एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है ना, वो एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड हैं। अब वो जो जिस तरीके से वो बॉन्डिंग, जिस बॉन्डिंग में बीज जो है पेड़ों का या फिर मनुष्य का जो भी अंडाणु शुक्राणु जो भी है, वो आपस में जो फर्टिलाइज होकर के मतलब आपस में मिल करके जो भी होता है, जिस जो प्रोसेस होता है, तो वो तो बीज ही है ना, तो बीज तो कोई ना कोई बॉन्डिंग होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगा, तो उस केमिकल बॉन्डिंग का जो एक उसमें अनुकूल परिवेश मिलेगा तब प्राणों का संचार होगा। अब जो प्राणी में प्रकृति का नियम अनुसार ऐसे होते हैं कि वो उसमें प्राणी प्राण तो आया है, अब उसमें आपका ये इसका इसका जो इंटरेक्शन है, हर एक एलिमेंट का इंटरेक्शन से ही तो बना हुआ है पूरा शरीर, तो ऐसे करके वो लोग वो जो प्राणी हैं, तुच्छ प्राणी जो भी हैं, इंसान के अलावा जो भी प्राणी हैं, तो उनमें ये सोचने समझने का शक्ति नहीं होता है, जानने का प्रयास नहीं करते हैं, ये लोग प्रकृति में हाँ प्रकृति का जो जड़ पदार्थ है उससे तो ये ऊपर है, ये तो बात सत्य है, ये बात सत्य है, उससे ऊपर है। पर इंसान को क्योंकि और ज्यादा बुद्धि मिला है, इंसान अगर प्राणियों की तरह जिएगा तो फिर प्रकृति का नियम अनुसार उसे वो चेतना का आनंद उनको नहीं होता, मतलब होगा नहीं, क्योंकि हम प्राणियों की तरह नहीं है, इसलिए हम कष्ट मिलता है, हमको कोई भी काम में कष्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। प्राणियों को मान लीजिए, प्राणियों को अगर कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या उनको कष्ट होता है? हमको कष्ट होता है क्योंकि हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कुछ ना कुछ में हम प्रेम चाहते हैं, हम सत्य को खोजना चाहते हैं, यही चीज हमको बहुत अतृप्त करता है। क्योंकि अतृप्त करता है तो इंसानों ने खोजा बहुत खोजा, तो खोज खोज के फिर निकाले कि कैसे चेतना को एक ऊंचाई दिया जाए, मुक्त जीवन जिया जाए और चेतना का मजा, चेतना का आनंद लिया जाए।
क्योंकि हर एक चीज में चेतना ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। हर एक चीज में, हर एक पदार्थ में इंसान तो वही करता है ना कि पदार्थ को भोग डालो, जो भी करो उसको इस्तेमाल कर लो, देखते हैं कि मिलता कि नहीं। तो ऐसे करते करते मिलता नहीं है, तो इसीलिए तो। और ये जो प्रक्रिया है, पूरा जो प्रक्रिया है, ये भी प्रकृति का ही है, ये भी सब भगवान ही करवा रहा है, ये भी पहले से ही निर्धारित है। ये पहले से जो निर्धारित है, इस बात को हम बाद में कहीं दूसरे कई कई दिन कई दूसरे दिन हम इस बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन अब इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो ये भी उस वीडियो में बताएंगे, जिस समय हम बनाएंगे वीडियो उस समय बताएंगे कि कैसे हर एक चीज, हम जो भी बोलते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ कोई भी आदमी कोई कुछ भी करता है, वो कैसे पहले से निर्धारित होता है। कोई भी आदमी, जो भी सन्यासी हैं, जो बड़ा बड़ा आदमी मतलब आज का अर्थशास्त्री हैं और बड़े बड़े आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो भी कोई भी कुछ भी करता है, वो पूर्व से ही निर्धारित होता है। जो भी बात, कोई भी आदमी क्या खाएगा क्या पिएगा, सब पूर्व से निर्धारित है। ये बात में बाद में बहुत डिटेल में बोलेंगे, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं, इस बारे में एक ही वीडियो में नहीं बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है, ध्यान में रखना है। इंसान को, इंसान प्राणी जैसा अगर होता, दिमाग, हाँ प्राणी जैसा होता, अगर दिमाग थोड़ा उनके जैसा रहता, बुद्धि थोड़ा उनसे कम होता, मतलब जो ब्रेन है ना, हार्ड डिस्क, वो तो एक सब एक केमिकल बॉन्डिंग का एक जाल बिछा हुआ है ना। अब कहेंगे कि तो जल बिछा हुआ है, एक मतलब बहुत स्ट्रांग एक दूसरे, मतलब ब्रेन जो है हमारा स्ट्रांग, एक दूसरे मतलब हर एक कोश का एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड है, बहुत अच्छे से वो सिग्नल इधर उधर, मतलब बहुत उन्नत ब्रेन है। तो इतना अच्छा उन्नत ब्रेन जो जैसे हुआ है, जिस तरीके से बना, मतलब पैदा हुआ है, तो ये भी तो भगवान की ही देन है कि ऐसा ही हुआ है। इंसान ऐसा प्राणी जन्म लिया है जो इस तरीके से होगा, ये भी प्रकृति का ही है। सब तो प्रकृति का है। आपका शरीर जो है, सब तो ये सब शरीर क्या है, ये जो भी चमड़ा है, जो भी है शरीर है, मांसपेशियां, ये सब क्या है, तो सब प्रकृति का है। आप क्या ये शरीर हो? क्योंकि ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा, जो भगवान का है। क्या आपका है ये शरीर? क्या आपका है ये शरीर? आपका है क्या ये शरीर? भगवान ने एक सुनियोजित, एक अनुकूल परिवेश मिला तो आप पैदा हो गए। और अब तो क्या है कि हर सेकंड में कोष, जो भी आपका शरीर में, हर एक कोष मरता रहता है, पूरा 10 साल में आपका पूरा शरीर ही परिवर्तित हो जाता है। तो जब आपका शरीर इसका ही नहीं है और ये प्रकृति का ही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह शरीर आपका है? आप जो हैं, तो फिर आप क्या हैं? अब कहेंगे कि ब्रेन भी तो एक प्रकृति का हिस्सा है। आप कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है, आप कुछ नहीं है। जो भी कुछ आप मान रहे हैं, वो सब चीज़ आप छोड़ दीजिए, मानना बंद कर दीजिए। हाँ, खोज चलाते जाइए। देखिए, वैज्ञानिक जो है ना, वो भी अपना सत्य के खोज में ही लगे हुए हैं, चाहे वो पदार्थ की खोज हो, जैसे भी हैं उनका ये जो तृप्तता है। देखिएगा, वो लोग शादी भी उतना जल्दी नहीं करते हैं, शादीवादी करने का कोई कोई बहुत सारे कई नहीं 99% वैज्ञानिकों को ऐसा होगा कि वो लोग अपना वैज्ञानिक होने का अहंकार में जीते हैं और जो भी बोलते हैं अहंकार में बोलते हैं, उनके बात छोड़ दीजिए। लेकिन ज़्यादातर मतलब फिर भी उनमें तो इतना तो दूसरे से इतना तो है कि वो डेडिकेशन के साथ
जो भी जिस भी पदार्थ की खोज कर रहे हैं उसमें पूरा ही डूबने का उनका वो है, तो वो भी सत्य की ही खोज कर रहे हैं, बस पदार्थ की खोज कर रहे हैं और डिटेल जानकारी। इसी से क्या होता है कि आपको धर्म के बारे में और ज्यादा स्पष्टता आता है। तो यही बात है, जैसे कि हम अब बिग बैंग के बारे में बोल रहे थे, तो बिग बैंग का जो भी कुछ थियोरी आया है भगवान को जानने के, और स्पष्टीकरण कहाँ से आया है, यहाँ से ही तो आया है। हम और भी ज्यादा अच्छे से धर्म को समझ सकते हैं। ये बात तो बहुत पहले कहा गया था शास्त्र में, लेकिन अब उसको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से जान पा रहे हैं, वो भी वैज्ञानिक के मदद से, विज्ञान के मदद से। तो विज्ञान अच्छे या बुरे बात नहीं है, विज्ञान अच्छा ही है, आपको जानना तो होगा ही ना। भौतिक जो आप जो आपका जो शरीर ये प्रकृति का है, ये पूरा ब्रह्मांड में जीवन पनप सकता है, संभावना है हर एक पदार्थ में, गैस में, हर एक पदार्थ में, हर एक कण में जीवन का संभावना है। तो यही तो भगवान है, ये नहीं तो फिर कैसे पता चलता है? तो ये भगवान है। और फिर आप में जो चेतना आया है पूरा प्राणियों में, तो वो फिर होता है कि निर्मल स्त्रीय चेतना। और आप में जो संभावना है, मनुष्य थोड़ा ऊंचे ऊंचा थोड़ा विचार रखता है, थोड़ा ज्यादा अच्छा दिमाग है, कोऑर्डिनेशन जो है दिमाग का वो बहुत अच्छे से दूसरे प्राणियों से अच्छा है, इसीलिए तो हम इतना सोच पाते हैं। तो हम मुक्ति का रास्ता भी अपने आप ढूंढ पा रहे हैं। जो भी दुख आ रहा है उस दुख को समाप्त करने का, समय को स्थिर करने का, जो भी हमारे पास ये जो शक्ति है ये आया है। तो यही है। आप कहेंगे कि हो सकता है कि ऐसा भी है कि कोई एलियन हमसे भी बुद्धिमान है, वो फिर कृष्ण से भी ऊपर चले जाएंगे, वो कृष्ण से एक 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 कदम और ऊपर चले जाएंगे। ऐसा ही है ना, जो जितना जो इच्छा रखता है, ठीक है ना, जो जिस जितना अच्छा मतलब जितना होता है उस हिसाब से ऊपर उठेंगे, वही बात है। लेकिन अभी तो हम हमारे जो समाज है, हमारे जो पूरा जो मनुष्य को ये मानव सभ्यता है, हम इसके दायरे में हम बात कर रहे हैं। और बहुत हद तक हम ढूंढ भी पाए हैं कि भगवान असल में है क्या, ठीक है ना, असल में है क्या। तो फिर ठीक है, और देखिएगा, बहुत कोई भगवान को मानने से ही इनकार कर देते हैं, तो साइंस की मदद से समझना और भी आसान होता है। वो समझते हैं अरे शरीर दिया है भोगने के लिए, शरीर भोग करके क्या तुम तृप्त हो पा रहे हो? ये तो बहुत साधारण सी बात है, तृप्त नहीं है, तृप्त नहीं है, साधारण सी बात है, हम जानते हैं, फिर भी हम करेंगे, ऐसा है। तो देखिए, आप करते जाइए, आप जितना भोग करना है आपको वो करते जाइए, लेकिन क्या तब भी आपको तृप्तता नहीं मिलेगी? और आप उतना ही, जितना ही ज़्यादा आप विषय वस्तु में, उतने ही ज़्यादा आपको मरने के डर भी सताएगा। क्योंकि देखिए, आप जब अपने शरीर के बारे में सोचने लगेंगे, मतलब विषय के बारे में सोचने लगेंगे कि ये वो ये पदार्थ छूट गया, वो ये, तो आप फिर एक छोटी सी चीज़ आप खोने खोने के लिए इतना सारा वो कर रहे हैं। चाहे आपका कंपनी ही, मतलब एक कंपनी आपने खड़ा खड़ा किए हैं, वो कंपनी ही ध्वस्त हो गया, अब आप सर में हाथ दे के बैठे हुए हैं कि ये क्या हो गया, इतना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ही तो है, आप समझ रहे हैं कि बहुत सारा है। तो ये इतना, तो फिर आपको ये सब आप इतना अच्छे से दिमाग में बैठा लिए हैं, ये खोने से आप एकदम से तिलमिला जा रहे हैं। तो फिर शरीर भी तो आपका घर है ना, आप तो शरीर में बास करते हैं, है कि नहीं? आप शरीर में तो बास करते हैं, मैं क्या बोला, आप शरीर में ही तो बास करते हैं। तो फिर शरीर तो आपका घर है, ये घर ध्वस्त होने का डर तो आपको सताएगा ही, ये भी आपको सताएगा। जब वो चीज आपको सता रहा है, तो ये भी चीज और भी ज्यादा कीमती है, और भी ज्यादा सताएगा। अब आप कहेंगे कि बहुत सारा लोग है कि देखिए, तुम अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं जान दे दूंगा, वो बात अलग है। वो बात अलग है कि वो इतना ज्यादा खो चुका है, वो पागल हो चुका है, कि जब ये नहीं मिल रहा है तो जीने से क्या फायदा, ठीक है ना। एक शरीर नहीं मिल रहा है कि एक पदार्थ नहीं मिल रहा है, हम जिएंगे नहीं, जिएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें जीने का मजा ही नहीं उनको आया है।
तो इसीलिए वो फिर चाहते हैं कि वो चीज़ आ जाए तो सफल हो जाएंगे। वो तो एक पागलपन है, वो थोड़ा दिमाग का कमजोरी जो है, दिमागी कमजोरी है कि हम जान दे देंगे एक गलत चीज़ के लिए। ये आप समझ ही सकते हैं मैं क्या बोलूँ इस बारे में। तो यही बात है, उनके बारे में बात नहीं किया जा रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि जान दे देंगे, वो भी तो कह रहा है कि जान दे देंगे। फिर आपका प्रश्न होगा कि देखो वो भी अपना जीवन का परवाह नहीं करता है, वो भी जान देने के लिए तैयार हो गया। अरे जान दे रहे हैं, दिया नहीं दिया, किस लिए दे रहे हैं, और दिमाग में कि यही चीज़ हमको मुक्ति की ओर ले जाएंगे, यही पदार्थ या फिर यही व्यक्ति मुक्ति की ओर ले जाएंगे, जब वो नहीं मिला तो हम मुक्ति नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो फिर शरीर को ही त्याग देते हैं। तो उनको पता नहीं है कि कैसे असली चीज़ क्या है, असली चीज़ क्या है, भगवान क्या है, कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए उनका ये सोचना है। और जो भी है, देखिए आपको इसीलिए भगवान इतना पूज्य है। हम जब देखते हैं ना, कृष्ण को पूजते हैं, उनको 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 याद करते हैं, उनकी मूर्ति को पूजते हैं, या फिर कोई भी भगवान को पूजते हैं, तो हम उसको पूजते हैं जो मिट्टी का मूर्ति भी बनाया गया ना, उनमें भी संभावना है प्राणों का। तो इसीलिए हम पूजते हैं कि उनमें संभावना है, तो वो एक प्रतीक है। मिट्टी एक मिट्टी का जो एक मूर्ति है वो प्रतीक है कि पूरा ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो सब में मतलब भगवान वास करता है, उस सब में प्राणों का मतलब प्राण का संभावना हो सकता है। तो इसीलिए हम पूजते हैं, प्रकृति को पूजते हैं पहले, ठीक है ना, वही तो यह बात है। तो और कृष्ण को इसीलिए पूजते हैं कि कृष्ण हमारे जो शुद्ध चेतना है उनका एक रूप दे दिया गया, तो सुविधा होता है किसी, तो ये सब प्रतीकार्थ हैं, सुविधा होता है कि एक हम एक निराकार वस्तु को कैसे मतलब पूजें। एक आकार तो होना चाहिए, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे अगर कोई निराकार चीज़ के बारे में, तो उसमें उतना दिलचस्पी सबका होता नहीं है, इच्छा नहीं होता है जानने का। तो एक आकार दे दिया गया, भक्ति के माध्यम से आप उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसी के बारे में जान सकते हैं। फिर जब जान जाएंगे फिर आप निष्काम उची जो मतलब जो सही कर्म है, सही कर्म तो आपको जब जान जाएंगे आप कृष्ण को भक्ति के माध्यम से, पूरा पहले मूर्ति के माध्यम से भक्ति के द्वारा आप पीछे का रहस्य जो है कृष्ण का उनको जान पाएंगे। जब जान पाएंगे तो आपको आपका आपको एक एक अच्छे वो होगा जो है क्या बोलते हैं, जब जान पाएंगे तो फिर आप सही कर्म चुनेंगे। सही कर्म चुनने के बाद, क्योंकि आपको कर्म करना ही है, आप बैठे रहेंगे तब भी आप कर्म करेंगे, तो आप जो भी अगर मान लीजिए कर्म आपको करना नहीं पड़ता, समाज अगर बहुत सही होता, किसी दूसरे को अगर बचाने का जरूरत नहीं है, सब समझ जाते हैं, तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं था, वास्तव में कोई करने का जरूरत नहीं था। थोड़ा बहुत जितना आपको पदार्थ के बारे में और जानना है तो वो जानने का प्रयास आप करते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन आप करना पड़ेगा, सही कर्म आपको करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत लोग भटके हुए हैं, बहुत क्या सब लोग भटके हुए हैं, तो इसी को एक राह देना है, और उसी कर्म को चुनना भी है, सही कर्म को, और निष्काम रूप से करना है, कि यह नहीं किया कि अपने कर्म किए उसका जो भी फल वो आप भोगना चाहते हैं, ये अगर आप करेंगे तो फिर वही उसी कर्म में आप पूरा डूब नहीं पाएंगे। ये आपको निष्काम होना पड़ेगा कि
क्योंकि फिर आप शरीर का मामला आ जाता है, फिर आप शरीर को जितना देते जाइएगा फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाइएगा। ये बात सत्य है। निष्काम इसीलिए कहा जाता है, निष्काम कर्म तभी हो सकता है जब आप कृष्ण को जान पाएंगे और नजदीक से। तो इसीलिए आपको कृष्ण को जानना है पहले, और सही कर्म कर चुनना है, फिर एक निष्काम कर्म में झुक जाना है। यही होता है कृष्ण का असली संदेश। कृष्ण क्या है, कृष्ण को हम क्यों भगवान मानते हैं, यही कारण है हम उनको भगवान मानते हैं। मतलब कृष्ण को ही भगवान मानते हैं क्योंकि वो ज्ञान का प्रतीक है, वो शुद्ध चेतना का प्रतीक है, इसीलिए हम उनको पूजते हैं। और ये गया उनके बाद, अब आइए प्रेम। प्रेम कैसे होगा, जब देखिएगा ना, सब सब के सब पदार्थ में, सब पदार्थ हम में हैं, हम उनमें हैं, पदार्थ में ही, सब पदार्थ में ही हम हो सकते हैं, हम हमारा मतलब प्राण का अस्तित्व हो सकता है। और तो फिर वो होता है, अब देखिए दिमाग किसी का बहुत ज़्यादा आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है, देखिए उनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है ना एक दूसरे का, एक दूसरे सेल का ब्रेन में, वो बहुत अच्छे से होता है, बहुत मतलब बहुत सुगठित होता है, बहुत एक मतलब क्या बोलूँ, मतलब एक सूक्ष्म रूप से उसको बनाया गया है, इतने अच्छे से हुआ है कि वो एकदम हार्डिक्स, बहुत अच्छा हार्डिक्स है। अब किसी का ब्रेन उतना नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं है, ये भी एक डीएनए का, जीन का जो है उसका बनावट है, किसी का अच्छा मिल जाता है, किसी का नहीं मिलता है, ये भी तो एक भगवान की ही देन है, किसी को अच्छा वो मिल गया, कोऑर्डिनेशन हो गया एक दूसरे एलिमेंट के साथ, पीरियोडिक टेबल का जो भी है, जितने भी एलिमेंट होता है वो एक दूसरे एलिमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन इस तरीके से बैठ गया कि वो अच्छे से, उसका दिमाग बहुत अच्छा हुआ। ये तो भगवान का ही खेल है, किसका अच्छा होगा किसका नहीं होगा ये कोई नहीं जान सकता, ये हो जाता है। ये तो प्रकृति का भी, वही तो प्रकृति है, वही बनवा रहा है, वही तो सब कुछ करवा रहा है। किसी का हो गया, ये सहयोग की बात है, सहयोग से हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए जब ये आप समझ जाएंगे कि सब पदार्थ एक हैं, सब मनुष्य एक हैं, सब प्राणी में, सब पदार्थ में प्राणों का संचार हो सकता है सब, तो फिर आप सभी चीज़ को आप सम्मान कर सकते हैं, सभी चीज़ को आप, फिर दिल से श्रद्धा आएगी कि या सब में, हम सब में हैं, सब हम में हैं, अलग अलग कुछ भी नहीं है, अलग अलग जो भी देख रहे हैं वो कुछ अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। अरे आपका शरीर ही तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर आप उसी मिट्टी से फिर प्राणों का संचार होगा, उसी मिट्टी से फिर होगा, तो फिर आप पुनर्जन्म हुआ ना आपका, फिर होगा उसी में होगा। अब विचार आपका सेम नहीं होगा, ये जो आपने जो भी स्मृति है, ये स्मृति उसमें नहीं रहेगा, ये स्मृति का ये पुनर्जन्म नहीं होता है जी, ये होता है आपका चेतना का, मतलब फिर से एक प्राण, एक चेतना का फिर से वो होता है। लेकिन आपने जो कलेक्ट किए हैं, जो इन्फॉर्मेशन, जो भी मतलब स्मृति है, जो आपका नाम है, जो भी कुछ है, वो पुनर्जन्म नहीं होता है, उसका पुनर्जन्म। बहुत लोग कहते हैं कि ये पिछले जन्म में जो यहाँ जन्म लिए थे, आज वहाँ जन्म लिए हैं, तो इस जन्म के बारे में वो सब बोल पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये गलत कुछ कहाँ से क्या हुआ हो गया ये सब नहीं होता है। ये वो स्मृति वो लौटता नहीं है, फिर से बच्चे जैसे बड़े बड़े होते हैं प्राणियों से, फिर शुद्ध चेतना के और भागते रहते हैं हम, पर किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। जो भी है, प्रणाम सभी को, हरे कृष्णा।